जय जया श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद चंद्र जय गौर भक्त परमानिभृत एक देखी शिव स्थान अहिला श्री गौर सुंदर भगवान श्री ग्रामे जतेक अछे देवाल देखिले न श्री गौरांग मास मात सर्वपते संतोषासीते उतरी लयासी प्रभु कमल पुरे थे परम निभृत एकांत एक शिव स्थान को देखकर भगवान श्री गौर सुंदर प्रसन्न हुए। श्री गौरांग महाप्रभु ने उस गांव में जितने भी देवालय हैं उन सबके दर्शन किए। भुवनेश्वर कल चर्चा हुई थी भुवनेश्वर यात्रा की चैतन्य महाप्रभु की है जलेश्वर से भुवनेश्वर तक है ना। इस प्रकार से संपूर्ण मार्ग संतोष के साथ पार करते हुए प्रभु कमलपुर में पधारे। भुवनेश्वर के बाद कमलपुर इज द लास्ट स्टॉप, इसके बाद सीधे जगन्नाथपुरी। तो कमलपुर आ गए हैं। कमलपुर जब पहुंचे तो वहां पे वहीं से कमलपुर गांव से जगन्नाथ जी के ध्वजा दिखाई देता है। आज तो खैर बहुत सारे बिल्डिंग्स बन गई है, तो लेकिन उस समय के जब महाप्रभु के समय था उस समय दूर से ही दिखाई देता था जगन्नाथ जी का। इतना बड़ा मंदिर था नहीं उस एरिया में, क्षेत्र में। देवले र ध्वज मात्र देखिले न दूरे देवले र ध्वज मात्र
देखी ले ना दूरे प्रवेशीला प्रभु निज आनंद सागरे देहुले ध्वज मात्र देखिल न दूरे। दूर से ही जगन्नाथ जी के मंदिर का ध्वज दिखाई दिया। उस ध्वज को देखकर भगवान आनंद के समुद्र में डूबने लगे, प्रविष्ट हो गए आनंद के समुद्र में। ध्वज देखे तो जगन्नाथ जी का जब ध्वज देखे तो आनंद के समुद्र में उबड़ने लगा हृदय में। अकथ्याद्भुत प्रभु करे नहुंकार, हुंकार जोर से हुंकार, हुंकार। अकथ्य और अद्भुत दो गुण है क्या? हाँ, अद्भुत हुंकार ऐसा पहले कभी नहीं, भूत मतलब पास्ट टेंस में, कभी ऐसा हुंकार नहीं सुना गया था। अकथ्य नो कोई इसका वर्णन कर सकता है ऐसा हुंकार के। विशाल गर्जन कंप सर्व देह भार, जोर जोर से गर्जन कर रहे थे, सारा शरीर कंपित हो रहा था। प्रसाद एर दी के मात्र चाहते चाहते चले लेना प्रभु श्लोक पढ़ते पढ़ते। श्री मुखेर अर्ध श्लोक सुन सावधानी, जय लीला करीला गौरचंद्र भगवानी। तो जब वहाँ से कमलपुर से ध्वज दिखाई दिया, वहाँ से चले तो एक श्लोक पढ़ रहे थे महाप्रभु रास्ते में। श्लोक कौन सा श्लोक को बताइए? वो तो पता है कि उसमें लिखा है, मतलब आपको याद नहीं है ये बोली। जब जगन्नाथपुरी जाए हम तो ये श्लोक उच्चारण करना चाहिए, मतलब कहने का अर्थ ये बताना चाहता हूँ मैं, याद रहेगा तब उच्चारण करेंगे, है ना? प्रसाद अग्रे निवसति पुरः स्वेर वक्त्रारविन्दो मामालोक्य स्मित सुवदनो बाल गोपाल मूर्ति। बाल गोपाल मूर्ति प्रसाद की ओर देखते ही देखते प्रभु श्लोक पढ़ते हुए चलने लगे। भगवान श्री गौरचंद्र ने जो जो लीलाएं की हैं उन सब लीलाओं के अंतर्गत उनके श्री मुख से निश्रित आधे श्लोक को सावधानी के साथ सुनिए। प्रभु ने कहा, देखो देखो प्रसाद के अग्रमूल में विराजमान श्री बाल गोपाल मुझे देखकर हंस रहे हैं। बारंबार उस श्लोक को दोहराते हुए प्रभु विवश होकर पछाड़ खाने लगे। उस दिन जो पछाड़ जो आरती क्रंदन प्रभु में दिखाई दे रहा था अनंत शेषनाग की जिह्वा के द्वारा भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह देखो प्रसाद के ऊपरी भाग में विकसित कमल बदन बाल गोपाल रूपी भगवान श्री कृष्ण मुझे देखकर मंद मधुर हास्य के द्वारा श्रीमुख की शोभा विस्तार करते हुए अवस्थान कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे कि देखो देखो भगवान बाल गोपाल मुझे देखकर हंस रहे हैं। कौन हंस रहे हैं? कहाँ है बाल गोपाल? नहीं, जो ध्वजा है उसी को बोल रहे हैं बाल गोपाल। उसमें भगवान में कोई अंतर? कमलपुर से कहाँ से मंदिर दिखी? ध्वज को ही बोल रहे, देखो बाल गोपाल ऊपर फोन के ऊपर बाल गोपाल है। प्रभु केवल चक्र के प्रति दृष्टिपात कर रहे थे, चक्र जो था पर उसको देख रहे थे और उस श्लोक का उच्चारण करते हुए भूमि तल पर गिरे जा रहे थे। बार बार गिर रहे थे भूमि तल पर। श्लोक का उच्चारण कर रहे थे
और बार बार भूमि तल पर गिर रहे थे। इस प्रकार से परिसंपूर्ण मार्ग में दंडवत प्रणाम निवेदन करते करते वहां से पूरे रास्ते दंडवत प्रणाम दंडवती परिक्रमा हुए। रास्ते में जगह जगह दंडवत प्रणाम। अब श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे यात्रा की जगन्नाथपुरी का क्या भाव था उसका वर्णन देखिए। बीच बीच में दंडवत प्रणाम करते थे और प्रेम प्रकाश पूर्वक चले जा रहे थे। इसे ही प्रेममय अवतार कहते हैं। प्रेममय अवतार यह शक्ति चैतन्य के अतिरिक्त और किसी में नहीं है। मार्ग में जितने भी सुकृतिवान नरगण देख रहे थे वे सब कह रहे थे ये ही तो हैं साक्षात नारायण। रास्ते के लोग पहचान गए कि ये कौन जा रहे हैं, भगवान नारायण जा रहे हैं। उन्हें चारों ओर से घेर कर भक्तगण भी चले आ रहे थे। सभी की आंखें आनंद धारा से परिपूर्ण थी। प्रेम के आवेश में चार घड़ी का पथ अतिक्रमण करने में 3 प्रहर लग गए थे। 4 घड़ी का रास्ता था लेकिन 3 प्रहर मतलब 9 घंटे लग गए वहाँ से वहाँ पहुँचने में। कमलपुर से जगन्नाथपुरी 9 घंटे। फिर बीच बीच प्रणाम कर रहे थे ना महाप्रभु, प्रणाम कर रहे थे। अठार नाला में आते ही प्रभु गौर राय ने सभी भावों का संवरण कर लिया। अठार नाला में आके फिर स्थित होकर प्रभु सबको साथ लेकर बैठे और अति विनम्रता का प्रशासन करते हुए सभी से कहने लगे। अठार नाला न जिसमें 18 नाला है तो इसका नाम पड़ गया अठार नाला। जब महाप्रभु वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे अपने भावावेश को नियंत्रित किए और भक्तों के साथ बात करने लगे। तुम सबने तो मेरे लिए बंधु का काम किया है, बोल रहे हैं जो डिवोटी साथ में गए थे उनसे बोल रहे हैं तुम लोग मेरे बंधु का काम किए हो। मुझे यहाँ लाकर जगन्नाथ महाराज जी के दर्शन करवाए इसके लिए धन्यवाद। क्या जगन्नाथ जी के दर्शन कराए। अब या तो तुम पहले सब दर्शनों के लिए जाओ या पहले मैं जाऊँ यह मुझे बता दो। लेकर साथ में अब नहीं, यहाँ तक ठीक था तो बताओ तुम लोग पहले जाओगे या पहले मैं जाऊँ आगे। मुकुंद ने कहा तो पहले आप जाइए। बोले अच्छा ठीक है। कहकर श्री गौरांग राव चल दिए। प्रभु मत्त सिंह की गति से भी तेज गति से चलकर शीघ्र पुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। जिसने भी यह सुना कि गौरचंद्र नीलाचल में प्रवेश कर गए हैं वही प्रेम रस में बहने लगा। ईश्वर की इच्छा से सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय आनंद के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे। तो महाप्रभु पहुंचे तो वहां पे मंदिर में सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं मौजूद थे और जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे। उसी समय जगत जीवन गौरचंद्र भी जगन्नाथ सुभद्रा और संकर्षण के दर्शन कर रहे थे। उन्हें देखते ही प्रभु परम हुंकार करने लगे और जगन्नाथ को गोद में ले लेने के लिए उनकी इच्छा हुई। जब गए तो जगन्नाथ जी दर्शन करने लगे तो मन में भाव आया कि जाकर गोद में उठा लूं जगन्नाथ जी को, इतने बड़े भारी जगन्नाथ जी। आनंद में विह्वल विश्वंभर ने छलांग लगा दी। उनके नेत्रों से चारों ओर अश्रु धाराएं प्रवाहित हो रही थी। एक क्षण में प्रभु आनंद में मूर्छित होकर गिर पड़े। ईश्वर का यह अगाध चरित्र कौन समझ सकता है। आंखों से अश्रु गिर रहे थे, छलांग लगाते ही बेहोश हो गए वहीं पे। अज्ञ पहरेदार, अज्ञ का मतलब कम बुद्धि वाले, पहरेदार जो होते थे वो गार्ड तो कम बुद्धि के ही होते हैं। तो अज्ञ पहरेदार प्रभु को मारने के लिए उद्यत हुए, बिना परमिशन के एंट्री कर गया है ना। तो सार्वभौम प्रभु की पीठ के ऊपर झटपट गिर पड़े है ना। मारने के लिए डंडा उठाए तो सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं गिर गए ऊपर पीठ पर। बोले नहीं नहीं मत मारो है ना।
अच्छा किए ना सर्वम महाशय। हृदय में चिंतन कर रहे थे कि इतनी शक्ति किसी मनुष्य में कभी नहीं होती है। यह हुंकार, यह गर्जन, ये प्रेम की धाराएं, यह सब कुछ अलौकिक शक्ति का प्रचार है। लगता है यही श्री कृष्ण चैतन्य हैं। अति धन्य सार्वभौम इस प्रकार चिंतन कर रहे थे। तो उनको लग गया कि इतना हुंकार, ये सब जो सात्विक विकार प्रकट हो रहे, कोई साधारण मनुष्य में नहीं हो सकते। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि कोई विशेष आदमी है, विशेष व्यक्तित्व है ना। सार्वभौम के द्वारा निषेध किए जाने पर सभी शासनकर्ता पहरेदार महाभय से दूर हो गए। सार्वभौम हेड पुजारी थे, उन्होंने डांट दिया तो सब भाग गए, है ना, नहीं तो मार देते वो लोग, है ना। निज प्रिय काय जगन्नाथ को देखते ही प्रभु अचेतन प्राय होकर पड़े थे। जगन्नाथ जी को देखकर बेहोश मूर्छित हो गए महाप्रभु। वैकुंठ के ईश्वर न जाने किस अचिंत्य आनंद में मग्न थे। उस तत्व के बारे में जानना वेदों के लिए भी दुष्कर है। क्यों बेहोश हो गए, क्यों, है ना, कहाँ उनका ध्यान था उस समय, ये वेदों के लिए भी जानना दुष्कर है। वही प्रभु गौरचंद्र चतुर्व्यूह के रूप में स्वयं सिंहासन पर प्रसन्न चित्त से बैठे हुए हैं। विश्वम्भर स्वयं ही उपासक बनकर अपनी भक्ति कर रहे हैं, अतः ईश्वर की शक्ति को कौन समझ सकता है। जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो भी भगवान, और जो भक्ति कर रहे हैं वो भी भगवान, मतलब गौरांग महाप्रभु। अपने तत्व के बारे में प्रभु स्वयं ही जानते हैं। वेदों में, भागवत में इसी मत का उल्लेख किया गया है। फिर भी प्रभु जब जब जो जो लीलाएं करते हैं वेदों के अनुसार, वे सब लीला, वे सब जीव के उद्धार के लिए होती है। प्रभु वैष्णव के आवेश में मग्न हो गए। उनका बाह्य शुद्ध बुद्ध का ज्ञान दूर हो गया और वे प्रेम सिंधु में बहने लगे। सार्वभौम स्वयं प्रभु की देखरेख कर रहे थे। प्रभु की आनंद मूर्छा का अंत नहीं हो रहा था। अंत में सार्वभौम ने प्रभु को अपने भवन में ले जाना उचित समझा, तो लास्ट में डिसाइड किया कि इसको अपने घर ले जाएंगे। घर गए हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के ना, इस बार भी गए थे हम लोग। सार्वभौम ने कहा, प्रहरी भाइयों, सब मिलकर इस पुरुष रत्न को उठा लो। पांडु विजय के आप अपने जितने भी भृत्यगण थे सभी प्रभु को गोद में उठाकर चल दिए। ईश्वर के गहन गंभीर चरित्र कौन समझ सकता है। प्रभु इस प्रकार से सार्वभौम के मंदिर आवास की ओर गमन करने लगे। सभी चारों ओर से हरि ध्वनि करते करते हर्ष के साथ प्रभु को उठा कर ले जा रहे थे। उसी समय सभी भक्त हर्षित हृदय से सिंह द्वार पर आ पहुँचे। आकर सभी ने एक परम अद्भुत दृश्य देखा कि जैसे चिटियाँ अन्न ढो रही हो, वैसे ही अनेक लोग महान आनंद के साथ प्रभु को ले जा रहे थे। सिंह द्वार पर नमस्कार निवेदन करके सर्व भक्तगण हर्ष के साथ प्रभु के पीछे पीछे चल दिए। तो भक्त लोग भी पीछे से पहुँच गए और सर्व भट्टाचार्य उनको उठा कर ले जाए तो भी पीछे पीछे चल दिए भक्त लोग। सभी लोग मिलकर प्रभु को सार्वभौम के मंदिर में ले आए। मंदिर में आते ही मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। भक्तगण जो आकर प्रभु से मिले उसे देखकर सार्वभौम मन में हर्ष का अनुभव करने लगे। सभी के प्रति यथोचित संभाषण करके सार्वभौम ने आसन ग्रहण किया। इसी बीच उनके मन का संदेह दूर हो गया। सार्वभौम महाशय बड़े सुखी हुए। उनके भाग्य फल के उदय के बारे में और क्या कहा जाए। सभी वे जिनके कीर्ति मात्र का वर्णन कर पाते हैं वही ईश्वर अनायास उनके मंदिर में आ गए थे। हाँ, सभी वे जिनकी कीर्ति मात्र का वर्णन करते हैं, कीर्ति बखान करते हैं, वो प्रभु आज उनके घर में आ गए हैं। नित्यानंद को देखकर सार्वभौम महाशय ने विनय अवनत होकर उनकी चरण धूलि की। सभी के साथ सार्वभौम ने अपने आदमी दिया। उस सब आदमी के साथ जगन्नाथ दर्शन के लिए सभी चले। जो मनुष्य जगन्नाथ के दर्शन कराने के लिए जा रहा था वह हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, सभी लोग स्थिर भाव से जगन्नाथ के दर्शन करना, पहले के गोसाई जैसा कोई कुछ मत करना। बोले कि पहले जो गोसाई जी आए थे तो घुस गए थे सीधे, जगन्नाथ जी को पकड़ने के लिए जा रहे थे, वैसा मत करना तुम लोग, है ना। तुम सब किस प्रकार के आदमी हो कुछ समझ में नहीं आता है। यदि स्थिर होकर दर्शन करते हो तो मैं दिखाने के लिए ले जा सकता हूँ। बोले स्थिर करोगे ना कि बदमाशी तो नहीं करोगे। तुम में से एक ने जिस प्रकार का व्यवहार किया था उसके चलते जगन्नाथ भगवान देव से ही सिंहासन पर विराजमान रह सके। विशेष करके जो कुछ भी मैंने स्वयं देखा है उसके बारे में और क्या कहूँ। इस तरह पछाड़ खाने से दूसरों के शरीर में क्या प्राण रह सकेंगे। अतः निवेदन है कि अचिंत्य कथन तुम सब संभल के देखना। तो उन दोनों से बोले कि तुम लोग भी ध्यान से देखना, है ना, सब लोग ध्यान से देखना।
बोले कि उसने तो जैसा व्यवहार किया उससे तो लगता है जगन्नाथ जी बहुत गुस्से में होंगे, ऐसे बोल रहे हैं। बोले कि तुम लोग मत ऐसा करना है ना, दर्शन करने जा रहे हो, थोड़ा शांति उन्ति से करना। सुनकर सभी भक्तगण हंसने लगे, बोले चिंता की कोई बात नहीं, कहकर उन सब ने प्रस्थान किया। आकर सभी ने प्रकट परमानंद रूप भक्तवर्ग के साथ विराजमान चतुर्भुज जगन्नाथ को देखा। देखकर सभी स्तवन कर क्रंदन प्रदक्षिणा और दंडवत प्रणति करने लगे। दर्शन किए तो सब लोग है ना, उनके अंदर विकार हुआ। ब्राह्मण ने प्रभु के गले की प्रसादी मालाएं लाकर आनंद के साथ सभी के गले में डाल दी। आज्ञा माला पाकर सभी आनंद के साथ तुरंत सार्वभौम के भवन में चले आए। प्रभु जिस तरह आनंद से मूर्छित हो गए थे, तिल भर भी बाह्य ज्ञान उसमें नहीं रह गया था, तिल भर भी बाह्य ज्ञान नहीं था, इतने मूर्छित थे। उसी अवस्था में वे अब भी दिखाई दे रहे थे। गौरचंद्र का चरित्र अचिंत्य और अगाध है। तीन प्रहर बीत जाने पर भी प्रभु को बाहरी सद्भूत का ज्ञान नहीं आया। तीन पहर बीत गया, तीन पहर मतलब 9 घंटे, फिर भी महाप्रभु को बाहरी ज्ञान नहीं आया। फिर एक क्षण में सर्व जगत जीवन प्रभु उठ गए, अचानक उठ गए। यह देखकर भक्तगण हरि ध्वनि करने लगे। स्थिर होकर प्रभु ने सबसे पूछा, कहो आज मेरे साथ क्या क्या हुआ है। पूछे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, ये पूछ रहे हैं। अंत में नित्यानंद प्रभु कहने लगे, जगन्नाथ के दर्शन करते ही आप मूर्छित हो गए थे, दैव योग से सार्वभौम वहीं थे, वे आपको उठाकर अपने भवन में ले आए। आनंद के प्रवेश में परवश होकर आप तीन प्रहर तक बाहरी सुद्भूत से परे रहे। बोले 9 घंटे तक आप बाहर पड़े रहे, ये स्थिति थी आपकी। यही सार्वभौम है, ये आपको नमस्कार निवेदन कर रहे हैं। तब प्रभु ने आदर सहित सार्वभौम को गोद में ले लिया। प्रभु ने कहा, जगन्नाथ बड़े दयालु कृपा में है, मुझे सार्वभौम के घर ले आए। मेरे मन में परम संदेह था कि किस प्रकार से मुझे आपका संग मिलेगा, कृष्ण ने अनायास इसे पूर्ण कर दिया। इतना कहकर प्रभु सार्वभौम की ओर देखते हुए हंसने लगे। प्रभु ने कहा, आज का मेरा आख्यान सुनो। मैंने आकर जगन्नाथ को विराजमान देखा। जगन्नाथ को देखते ही मेरे मन प्राण ऐसे आया कि उन्हें लाकर अपने हृदय स्थल में रख लूँ। मैं जगन्नाथ को पकड़ने के लिए ही गया था कि अंत में क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। देव से आज सार्वभौम निकट में अवस्थान कर रहे थे, तो इस महासंकट में रक्षा हो गई। बोले कि सार्वभौम भट्टाचार्य तो बगल में थे, इसलिए मैं बच गया, नहीं तो मेरा तो बहुत कुछ हो सकता था। इस प्रकार से महाप्रभु है ना अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। मैं आज से यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि बाहर से ही जगन्नाथ का दर्शन करूँगा। महाप्रभु बोले, बाहर से दर्शन करूँ, अंदर नहीं जाऊँगा मैं, अभ्यंतर में दोबारा प्रवेश नहीं करूंगा। गरुड़ के पीछे रहकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। भाग्य से आज मैंने जगन्नाथ को नहीं पकड़ा, यदि पकड़ा होता तो मैं आज संकट में फंस जाता। कौन सा संकट बताइए। नितान बोले, भली भांति बच गए, अब दिन का समय गुजरता जा रहा है, शीघ्र स्नान कर लीजिए। प्रभु ने कहा, नित्यानंद तुम मुझे संभाल के रखना, मैं अपना शरीर तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। फिर कुछ देर तक स्नान करने के पश्चात प्रभु ने प्रेम सुख में हंसमुख होकर सबके साथ उपवेश किया। सार्वभौम ने तुरंत बहुविध महाप्रसाद लाकर प्रभु के निकट रख दिए। महाप्रसाद को नमस्कार निवेदन पूर्वक प्रभु सभी परिवारजनों को साथ लेकर भोजन करने बैठे। प्रभु ने कहा, मुझे प्रचुर परिमाण में लाफड़ा दो, पीठा पाना छाना बड़ा तुम सब ले लो। ऐसा कहकर प्रभु महान प्रेम रस में लाफड़ा खाने लगे। देखकर भक्तगण हंसते रहे। सार्वभौम प्रत्येक जन्म में प्रभु के पार्षद हैं, अन्यथा दूसरे को ऐसी संपदा की प्राप्ति नहीं होती है। सार्वभौम ने स्वयं सोने की थाली मान ला कर दिया और प्रभु भोजन करने लगे। उस भोजन में जितना प्रेम आनंद का प्रकाशन हुआ, वेद व्यास उन सब प्रसंगों का वर्णन करेंगे। अंतहीन आनंद के साथ भोजन विलास करके प्रभु ने आसन ग्रहण किया। भक्त वर्ग चारों ओर विराजमान हो गए। नीलाचल में महान आनंद के साथ प्रभु का भोजन विलास संपन्न श्रवण करने से चैतन्य का संग प्राप्त होता है। अंतखंड में चैतन्य नीलाचल आदि पधारे, जो इस आख्यान को सुनता है वह प्रेम जल में बहता है। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद जान जिनके जीवन हैं, वे वृंदावन दास उनके जुगल चरण कमलों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। श्री कृष्णा चैतन्य नित्यानंद चांद जान, श्री कृष्णा चैतन्य नित्यानंद चांद जान।
वृंदावन दास तछु पद जुगे गान हरे कृष्ण। तो अब हम लोग थर्ड कैंटो से थर्ड चैप्टर से पढ़ेंगे, है ना, तीसरा अध्याय। दूसरा अध्याय समाप्त हो गया, है ना। महाप्रभु को हमने पहुंचा दिया कहाँ, सार्वभौमचार्य के घर पे। तो इस अध्याय में, तीसरे अध्याय में सार्वभौम भट्टाचार्य का महाप्रभु की माया से विमोहित होकर पहले महाप्रभु को उपदेश देंगे सार्वभौम भट्टाचार्य, है ना। उसके बाद महाप्रभु कृपा पूर्वक सार्वभौम भट्टाचार्य के समक्ष षडभुज रूप में प्रकाशित होने पर षडभुज रूप प्रकाश करेंगे, है ना, से छह भुजाओं वाला रूप, है ना। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु का स्तुति करेंगे और फिर महाप्रभु की साक्षात पुराण पुरुषोत्तम में अवधारणा श्री परमानंद पुरी के साथ प्रभु का मिलन, भक्त वृंद का समागम, श्री नित्यानंद के द्वारा श्री बलराम के आलिंगन की चेष्टा, प्रभु के द्वारा श्री परमानंद पुरी के कुएं में भोगवती गंगा का आनयन, प्रभु का गौड़ देश विजयपूर्वक विद्यानगर में विद्यावाचस्पति के घर में अवस्थान, प्रभु का कुलिया गमन एवं वहां अपराधी गणों का अपराध भंजन, देवानंद पंडित की भागवत व्याख्या प्रणाली के बारे में प्रश्न के उत्तर में महाप्रभु के द्वारा भागवत पाठ प्रणाली एवं भागवत महिमा का कीर्तन, ये सब विषय काफ़ी थोड़ा ये भी लंबा अध्याय है, है ना। तो शुरू के जो छः अध्याय हैं, पांच अध्याय और उनकी साइज जो है वो थोड़ा बड़ा है, मतलब बाकी अध्याय के तुलना में। तो इस प्रकार से जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गुण धाम, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गुण धाम, जय जय नित्यानंद स्वरूपेर प्राण, जय 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 नित्यानंद स्वरूपेर प्राण, जय नित्यानंद स्वरूपेर प्राण, जय जय वैकुंठ नायक कृपा सिंधु, जय वैकुंठ नायक कृपा सिंधु, जय जय न्यासी चूड़ा मणि दीन बंधु, जय जय न्यासी चूड़ा मणि दीन बंधु, शेष खंड कथा भाई सुन एक चित्ते, शेष खंड कथा सखंड कथा भाई सुनाए कचीते, सखंड कथा भाई सुनाए कचीते, गौरांग चंद्र बिहरि लजे नामते, गौरांग
अमृते रय अमृत श्री गौरांगे कथा ब्रह्मा शिव जे अमृत बांछे न सर्वथा अतएव श्री चैतन्य कथा र श्रवणे सबर संतोषाय दुष्ट गण बीने शेष खंड कथा चैतन्य रहस्य सुन शेष खंड कथा श्रवणे कृष्ण पाइबो अवश्य गुणधाम श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। नित्यानंद स्वरूप के प्राण स्वरूप की जय हो। कृपा सिंधु वैकुंठ नायक की जय हो। न्यासी चूड़ामणि दीन बंधु की जय हो। श्री गौरांगचंद्र ने जिस प्रकार से लीलाएँ की हैं उन शेष खंड की कथाओं को हे भाइयों एकाग्र चित्त से सुनिए। शेष खंड अंत खंड श्री गौरांग की कथा अमृत का अमृत है। क्या है? अमृत का अमृत। ब्रह्मा भी शिव जी भी इस अमृत को पाने की इच्छा सदैव करते रहते हैं। अतः उस श्री चैतन्य कथा के श्रवण से दुष्ट गणों के अतिरिक्त अन्य सबको संतोष मिलता है। ऐसा है आप लोगों को भी मिल रहा होगा संतोष, है ना? अगर नहीं मिल रहा होगा तो मतलब कहने दुष्ट गणों के अतिरिक्त तो किसी को संतोष अगर नहीं मिल रहा होगा तो मतलब चिंता की बात नहीं है। ये भी वैरायटी जरूरी है। चैतन्य रहस्य की कथा शेष खंड में सुनिए। चैतन्य रहस्य इसके श्रवण से श्री कृष्ण अवश्य ही मिल जाएंगे। सबको कृष्ण चाहिए, कृष्ण प्राप्त करना है सबको, है ना? कुछ दिन पहले एक भक्त पूछ रहे थे कैसे कृष्ण मिलेंगे। अगर कृष्ण चाहिए तो आपको फिर सुनना पड़ेगा कथा। ये कथा सुनने से कृष्ण अवश्य मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, है ना? गारंटी कार्ड ले लीजिए, वहाँ पे जाके दिखा दीजिएगा लास्ट में जब टाइम आएगा आपका। ये देखिए कथा चल रहा था चैतन्य भागवत का, उसमें आपने कहा था वृंदावन दास ठाकुर जी ने कि कृष्ण अवश्य मिल जाएंगे, तो फिर दीजिए कृष्ण को, तो अवश्य लिखें अवश्य अवश्य मिलेंगे कृष्ण। हैं तो ध्यान से सुनेंगे सब एकाग्रचित होकर, लेकिन सुनना पड़ेगा। इसके श्रवण से श्री कृष्ण अवश्य ही मिलेंगे। इस प्रकार से नीलाचल में श्री गौर सुंदर आत्मसंगोपन पूर्वक आनंद के साथ विहार कर रहे थे। आत्मसंगोपन इस शब्द का अर्थ क्या हुआ बताइए, आराध्य स्वरूप बताएंगे।
हाँ बताइए। आत्मसमरूपण, मतलब जो संगी लोग हैं साथ आत्मसंगोपन। हम लोग शुद्ध हिंदी भी नहीं जानते, अंग्रेजों ने हमारी क्या हालत कर दी, ना हम शुद्ध अंग्रेज है ना शुद्ध हिंदुस्तानी, बीच के हो गए। तो आत्मसंगोपन मतलब अपने को संगोपन, गोपन मतलब गोपनीय करके, अपने को छुपा कर लीला कर रहे हैं, है ना। छुपा कर मतलब कोई जान नहीं पा रहा कि ये भगवान है। हाँ, यहाँ तक कि सार्वभौम भट्टाचार्य भी को भी समझ में नहीं आ रहा कि ठाकुर जी हैं शायद, है ना, जिनकी पूजा कर रहे जगन्नाथ। सही कृष्ण, सही गौर, सही जगन्नाथ। वासुदेव घोषा बोले करी जोड़ हाथ, सेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। वही है, जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, जय 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 जगन्नाथ सचिदानंदन। श्री जगन्नाथ और श्री सची माता के पुत्र नंदन, त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। तीन लोग इनके चरण कमलों की वंदना करता है वो भगवान गौरांग, छुप कर लीला कर रहे हैं, छुप कर छुप कर। संगोपन, आत्मसंगोपन, समझ में आया आत्मसंगोपन का अर्थ। आया समझ में, कभी भी नहीं आया। यदि वे अपने आप को प्रकाशित न करें तो उन्हें पहचानने की शक्ति भला किसमें है, कोई नहीं पहचान सकता है ना। इसलिए भगवान जब अपने आप को प्रकट करते तभी जीव उनको पहचान पाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से देव योग से एक दिन प्रभु सार्वभौम को साथ लेकर एकांत में बैठे थे। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु एकांत में बैठे थे किसके साथ? सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ में लेकर एकांत में बैठे थे। प्रभु ने कहा, सुनिए सार्वभौम महाशय, मैं आपसे अपने हृदय की बात कहता हूं। मैं जगन्नाथ के दर्शन के लिए आया हूं, यही मेरा मूल उद्देश्य है। और आप भी यहां हैं, क्या जगन्नाथ मुझसे बात करेंगे? मुझे कि क्या जगन्नाथ मुझसे बात करेंगे? आप मुझे सभी प्रकार से के बंधन से मुक्त करेंगे। आप में श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति विराजमान है। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, थोड़ा चढ़ा दिए, है ना। आप ही कृष्ण प्रेम भक्ति देने में समर्थ हैं, इस कारण मैं आपके आश्रय में आया हूं। कौन बोल रहे हैं? महाप्रभु आश्रय में आए हैं। मुझे लगता है आश्रय प्रोग्राम महाप्रभु भी अटेंड किए हैं, लगते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य वाला आश्रय ग्रुप। आप वही कीजिए जिसमें मेरा भला हो। मैं कौन सी विधि अपनाऊं, कैसे रहूं ताकि मैं इस संसार रूपी कुएं में न गिर जाऊं? क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य को बहुत टेंशन था कि जवानी में ये बच्चे ने संन्यास ले लिया, पता नहीं, और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, शास्त्र नहीं जानता है, संन्यास को मेंटेन कर पाएगा क्या? ऐसे उनके अंदर टेंशन था सार्वभौम भट्टाचार्य। तो इसीलिए मोह माया और फैला दिए, बोले मैं बहुत, मेरे को कन्फ्यूजन है, डाउट है, पता नहीं मैं माया में गिर न जाऊँ, फॉल डाउन ना हो जाए कहीं मेरा। तो भक्त लोग चिंतित करते हैं ना, ज्वाइन करने से बोले हेजिटेशन,
इंस्पिरेशन हेजिटेशन में बताते हैं, तो महाप्रभु वही बोले कि मैं तो मेरे को हेजिटेशन हो रहा है, मुझे क्लियर नहीं रहा कि कैसे इस संसार रूपी कुएं में गिर न जाऊं, इसके लिए बचने का कुछ उपाय बताइए, कौन सी विधि अपनाऊं, कैसे रहूं, माया रहित होकर मुझे उपदेश समूह प्रदान कीजिए, मैं सभी प्रकार से आप ही का हूँ यह जान लीजिए। बोले मैं आप ही का हूँ, चारों भट्टाचार्य से बोले मैं आप ही का हूँ यह जान लीजिए। इस तरह अनेकों प्रकार से माया का प्रकाश करते हुए गौर हरि ने सार्वभौम के प्रति कहा, बिना ईश्वर महाप्रभु का मर्म समझने समझे सार्वभौम जीवों के धर्मों के बारे में कहने लगे। बोले कि वो समझ नहीं पाए महाप्रभु का मर्म, महाप्रभु क्या बताना चाहते हैं, इनडायरेक्टली महाप्रभु कुछ बोल रहे थे है ना, वो नहीं समझे, वो तो अपने धुन में है एकदम कि इसको वेदांत पढ़ा के ही रहूँगा ताकि संन्यास मेंटेन करके रख सके, बिना वेदांत के इमोशनल नाचने गाने से थोड़े होता है ना, ऐसे सोच रहे सार्वभौम भट्टाचार्य। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, आपने जो कुछ भी कहा है सब मुझे अच्छा लगा, आप में जिस भक्ति का उदय हुआ है वह अत्यंत अपूर्व है, इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, आपके ऊपर कृष्ण की कृपा हुई है, केवल एक व्यवहार आपके लायक नहीं है, स्वयं परम सुबुद्धिमान होकर भी आपने संन्यास आश्रम को किस कारण स्वीकार किया है। बोले आपको सारा ज्ञान है शास्त्र का, आपको संन्यास नहीं लेना चाहिए था मुझे लगता है, ऐसा क्या कारण से आपने संन्यास लिया, ऐसा पूछने लगे। विचार करके देखो संन्यास में क्या रखा है ना, बोल रहे संन्यास में क्या रखा है, वे सन्यासी पहले ही अहंकार के जाल में फंस जाते हैं, दंड धारण करके अपने आप को महान समझने लगते हैं, किसी को भी हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं करते हैं, वेद विधान के अनुसार जिनकी पद धूलि ग्रहण करना संगत है उन महापुरुषों के नमस्कार करने पर भी भयभीत नहीं होते हैं, यह अहंकार धर्म कभी भी अच्छा नहीं है, समझो यही तो भागवत का मत है। बोले संन्यास लेंगे तो अहंकार आ जाएगा, क्यों संन्यास लेना चाहते, भागवत तो ही कहता है कि जहाँ भी रहे वहीं पे भक्ति करें, संन्यास मत लीजिए। भगवान स्वयं ही जीव रूप ब्राह्मण से लेकर कुकुर चंडाल तक सब तक सबको बहुत ही सम्मान पूर्वक दंडोत प्रणाम करना चाहिए, सबके प्रति प्रणाम निवेदन करना ही वैष्णव धर्म है, वह धर्मधाजी है जिसको इसमें रुचि नहीं है। क्या है जिसको रुचि नहीं है इसमें उसको क्या बोले, धर्मध्वजी। शिखा सूत्र परित्याग करने का इतना ही लाभ होता है कि बड़े बड़े महाभाग सब आकर नमस्कार करते हैं, पहला तो यह एक अपचय सुनने में आता है तथा तो दूसरा और सुनिए कि इसमें इससे सर्वनाश और बुद्धि का क्षय होता है। जीवों का स्वभाव धर्म है ईश्वर का भजन, उसे छोड़कर ये लोग अपने आप को नारायण मानने लगते हैं, गर्भवास में जिन ईश्वर ने रक्षा की, जिनकी कृपा से बुद्धि ज्ञान शिक्षा की प्राप्ति हुई, शेष अज भाव और रमा जिनके दास्य को प्राप्त होकर भी दास्य के निरंतर कामना क्रिया करते हैं, जिनके दास सृष्टि स्थिति और प्रलय का साधन करते हैं, अपने आप को उन जैसा प्रभु मानते हुए उन्हें लज्जा भी नहीं आती। जो लोग सो जाने पर वे स्वयं कौन है यह भी नहीं जानते, वही लोग अपने आप को नारायण कहते हैं, नमो नारायण है, जैसे सोने के बाद व्यक्ति को पता नहीं रहता है कि वो क्या सपना देखा, उसको लगता है वही सही है ना, उसी तरह से ये लोग बोलते नमो नारायण है। सभी वेद कहते हैं कि जगत के पिता कृष्ण है, जो पिता की भक्ति करता है वह सुपुत्र कहलाता है। हे अर्जुन, मैं ही इस जगत का पिता माता धाता पालक एवं पितामह स्वरूप हूँ। गीता शास्त्र में अर्जुन को के संन्यासकरण के संबंध में नारायण ने जो कुछ भी कहा उसे सुनिए। जो कर्मजनित फलों की आकांक्षा न करके भगवत प्रीति के लिए शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है वास्तव में वही सन्यासी एवं वास्तव में वही योगी है, अन्यथा जिसने अग्निहोत्र आदि वैध कर्मों का परित्याग किया वह सन्यास नहीं है एवं जिसने शरीर कर्मों का परित्याग किया वह योगी नहीं है। जो निष्काम होकर कृष्ण भजन करता है उसे ही योगी सन्यासी लक्षण से पहचाना जाता है। बिना विष्णु क्रिया
हरि भोजन के दूसरों का अन्न खाने से कुछ नहीं होता, यह बात साक्षात वेद कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कौन बता रहे हैं ये बात? समझा रहे हैं ना, किसको? महाप्रभु। वास्तविक सन्यासी कौन है? गीता से बता रहे हैं, है ना? जिसने अग्निहोत्र आदि वैध कर्मों का परित्याग किया है वह सन्यासी नहीं है, एवं जिसने शरीर कर्मों का परित्याग किया है वह योगी नहीं है। जो निष्काम होकर कृष्ण का भजन करता है उसे ही योगी सन्यासी लक्षण से पहचाना जाता है। तो सही बात बता रहे हैं, है ना? बिना विष्णु क्रिया के दूसरों का अन्न खाने से कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार से जिसके द्वारा श्री हरि का संतोष विधान होता है वही जीवों का एकमात्र कर्तव्य कर्म है, एवं जिसके द्वारा श्री हरि विषयणी मति होती है वही विद्या है। क्योंकि श्री हरि देहधारी जीवगणों के अंतर्यामी परमात्मा है, एकमात्र वही सभी के कारण एवं नियंता है। उस क्रिया को ही धर्म कर्म सदाचार कहते हैं जिससे ईश्वर में प्रीति का उदय होता है। ईश्वर में क्या होता है? प्रीति, है ना? वही विद्या मंत्र अध्ययन कहलाते हैं जो कृष्ण पाद पद में मन को स्थिर करवाते हैं। कृष्ण सबके जीवन हैं, सबके जनक हैं। उन कृष्ण का जो भोजन नहीं करते उनका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। यदि कहने के लिए शंकर का सिद्धांत वैसा नहीं है फिर भी उनका अभिप्राय दास्य है, उन्हीं के मुख से यह तथ्य प्रकाशित हुआ है। हे नाथ, यद्यपि जीव एवं ब्रह्म में अभेद वर्तमान है तथापि मैं जीव आपके ही अधीन हूँ, अर्थात आपकी सत्ता से सत्ता विशिष्ट हूँ, परंतु आप कभी भी मेरी सत्ता से सत्ता विशेष नहीं है। समुद्र एवं तरंग के बीच वस्तुगत अभेद विद्यमान रहने पर भी तरंग समुद्र की सत्ता से सत्ताशाली है, समुद्र किसी भी तरंग की सत्ता से सत्ताशाली नहीं है। यद्यपि ईश्वर में और जगत में भेद नहीं है, हर जगह वह सर्व में परिपूर्ण रूप से विराजमान है, फिर भी मैं आपसे उत्पन्न हुआ हूँ, आप कभी भी मुझसे उत्पन्न नहीं हुए हैं। जैसे लोग कहते हैं कि समुद्र की ही तरंग है, तरंग का समुद्र कभी नहीं होता है, है ना? जीव और कृष्ण में क्या भेद है? लहर समुद्र की, लहर और समुद्र में जो तुलना किया जा रहा है ना, कि समुद्र में लहर होती है लेकिन लहर में समुद्र नहीं होती है, उस तरह से जीव कृष्ण आते, कृष्ण जीव से नहीं आते हैं, है ना? अतः जगत की आपका है, आप जगत के पिता हैं, इह लोक और परलोक में आप ही रक्षा करने वाले हैं। जिससे जन्म होता है, जो पालयता है, उनका भजन जो नहीं करता है वह जन्म वर्जन के योग्य है। यही शंकर का वचन है, यही अभिप्राय है, बिना इसे जाने लोग क्यों सिर मुड़वा लेते हैं? सन्यासी होकर प्रेम भक्ति योग से निर्वधि अनुक्षण नारायण कहना चाहिए। शंकराचार्य का अभिप्राय समझे बिना व्यक्ति भक्ति को छोड़ सिर मुड़वाकर दुख झेलता रहता है। अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्यों इस मार्ग में प्रविष्ट हो गए? यदि कृष्ण भक्ति योग में उद्धार करना था तो शिखा सूत्र को त्याग देने से क्या लाभ मिलेगा? यदि कहो कि माधवेंद्र आदि महाभागों ने भी शिखा सूत्र का परित्याग किया है, फिर भी इस समय आपको संन्यास ग्रहण करने का अधिकार कैसे मिल गया? उन सब महंतों ने शेष त्रिभाग वयस चौथी अवस्था में ग्राम्य रस भोग के उपरांत संन्यास ग्रहण किया है। अभी अभी आपका यौवन में प्रवेश हुआ है, अभी आपको संन्यास में अधिकार कैसे मिल जाएगा? तो जो बात मैं बोला सर्व भट्टाचार्य जी, जिस आ रहा है क्या? हाँ, क्या बिजली चला गया ना? ठीक, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट। ओके, बिजली चला गया तो आ रहा है इंटरनेट? नहीं, वो पूछ रहा हूँ।
मेरा दिख रहा है फेस? हाँ, दिख रहा है, अच्छा आ रहा है। ओके, तो कहते हैं कि जिस भक्ति का प्रकाशन आपके शरीर में हुआ है उसे देखते हुए परमार्थ में संन्यास ग्रहण करने का आपका क्या प्रयोजन है? वैसी भक्ति योगेंद्र आदि के लिए भी दुर्लभ प्रसाद स्वरूप है। ये संन्यास का लक्ष्य भक्ति प्राप्त करना है, लेकिन आपको तो भक्ति संन्यास से पहले ही प्राप्त हो चुका है, प्रेम भक्ति, तो संन्यास लेने की जरूरत क्या है, ये बोले है ना शरण भट्टाचार्य। फिर भी आपने ऐसा प्रमाद क्यों किया है, प्रमाद में ऐसा पागलपन क्यों किया आपने संन्यास लेने का? सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, सार्वभौम से भक्तियों का वचन सुनकर गौरचंद नारायण बड़े सुखी हुए। प्रभु ने कहा, सुनिए सार्वभौम महाशय, निश्चित तौर पर मुझे सन्यासी मत समझना, कृष्ण के विरह में मैं विचित होकर शिखा सूत्र मुड़वाकर बाहर आ गया हूँ। बोले, मैं सन्यासी के कारण नहीं, कृष्ण के विरह में मैंने ये सब किया है, मुझे सन्यासी समझना छोड़ दीजिए और ऐसी कृपा कीजिए ताकि कृष्ण में मेरी मति हो जाए। बोले, सन्यासी से ज़्यादा जरूरी क्या है, कृष्ण में मन लगना है ना, कृष्ण में मन लगना ज़्यादा जरूरी है। जो प्रभु होकर इस प्रकार से अपने दासों को मोहित करते हैं, उन प्रभु को इस माया के दास कैसे जान पाएंगे? यदि वे अपने आप को प्रकाशित न करें तो उन्हें जानने की शक्ति भला किसमें है? बिना जाने भी सेवक जितनी भी बातें करता है उनसे भी ईश्वर को महाप्रीति होती है। प्रभु सर्वकाल भृत्यों के साथ क्रीड़ा करते हैं, सेवक के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। सेवक जिस प्रकार से कृष्ण चरणों का भजन करते हैं, कृष्ण भी उसी प्रकार से स्वयं दास का भजन किया करते हैं। असल है, उनके उस स्वभाव को निवारित करने की शक्ति भला किसमें है? तो कितनी बड़ी बात बता रहे हैं ना सार्वभौम भट्टाचार्य, क्या बता रहे हैं बताइए, यहाँ पर बताइए। कहते हैं कि कृष्ण जो हैं कृष्ण के सेवक जो हैं, भक्त जो हैं, कृष्ण की जिस प्रकार से भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उस प्रकार भगवान कृष्ण भी अपने सेवकों का भजन करते हैं। ऐसे बता रहे, कौन सा श्लोक है गीता का? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजामि। प्रभु सार्वभौम की ओर देखते हुए हंसने लगे, माया मुक्त सार्वभौम समझ नहीं पाए। सार्वभौम ने कहा, आश्रम की दृष्टि से आप बड़े हैं, शास्त्र अनुसार आप वंदनीय हैं, मैं उपासक हूँ, आप जो मेरा स्तवन करते हैं वो ठीक नहीं है, कहीं इससे मेरा अपराध ना हो जाए। तो बड़े थे ना उम्र में, बोले कि आप मेरे गुरु के समान के उम्र के हैं, आप प्रणाम करेंगे तो मेरा पतन हो जाएगा, अपराध ना हो जाए कहीं। प्रभु ने कहा, मेरे प्रति यह सब माया छोड़ दीजिए, सभी प्रकार से मैं आपके आश्रम में हूँ। इस प्रकार से प्रभु भृत्य के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, गौर सुंदर की लीला कौन समझ सकता है? प्रभु ने कहा, मेरा एक मनोरथ है, मैं आपके मुख से भागवत सुनना चाहता हूँ। मेरे हृदय में जितना भी संशय है उस सब को सिवाय आपके और कौन दूर कर सकता है? बोले कि आप भागवत सुनाइए थोड़ा मेरे को, क्योंकि मेरे मन में कई सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, है ना, तो आपके अलावा और कौन ठीक कर सकता है उन क्वेश्चंस को? सार्वभौम ने कहा, मैं भली प्रकार से जानता हूँ कि आप सभी विद्याओं में परम प्रवीण हैं, भागवत का ऐसा कौन सा अर्थ है जो आप नहीं जानते? मैं आपको किस प्रकार से संबोधित कर पाऊँगा? फिर भी सज्जनों का यह स्वाभाविक व्यवहार है कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर भक्ति का विचार करना चाहिए। तब श्री वैकुंठनाथ ने थोड़ा हंसते हुए अष्टपद युक्त एक श्लोक उल्लेख किया, एक श्लोक बताए है ना, आत्मा राम हम मुनयः च निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे अहेतु किं भक्तिं कुर्वन्ति हरि इत्थं भूतगुण। जो निरंतर आनंदमय स्वरूप आत्मा में रमणशील हैं, वैसे मुनिगण विधि निषेध रूप शास्त्रों का अध्ययन न होने पर भी भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि श्री हरि का गुण समूह स्वभावतया इस प्रकार का है, वह तादृश पुरुष गणों को भी आकर्षित करने में समर्थ है।
सरस्वती पति गौरचंद्र के समक्ष कृपापूर्वक सार्वभौम वर्णन करने लगे। सार्वभौम ने कहा, श्लोकार्थ सत्य है, यह कृष्ण चरणों में भक्ति ही सबका मूल है। जो जो जन सर्वकाल पूर्ण हैं, अंदर बाहर निकलना कोई बंधन नहीं है, इस प्रकार के सब मुक्त पुरुष कृष्ण भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। महान भक्त शक्तिशाली कृष्ण गुणों का ऐसा ही स्वभाव है, सब मुक्त पुरुष इस कृष्ण गुण नाम का कीर्तन करते हैं। इसमें जिसका आदर नहीं उसका नाश हो जाता है। इस प्रकार से नाना रूप पक्ष उठाकर सार्वभौम अविष्टचित से व्याख्या करने लगे। एक तो बीरा है ही पहले से, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं ना, सारा आत्माराम श्लोक के बारे में बताया है ना, आत्माराम श्लोक के बारे में बता रहे हैं। बात फिलोसफी तो सही बता रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि सब मुक्त पुरुष इस कृष्ण नाम गुण नाम का कीर्तन करते हैं, है ना। त्रयोदश प्रकार का श्लोकार्थ बखान करने के बाद और शक्ति नहीं है, ऐसा कहकर सार्वभौम चुप हो गए। 13 प्रकार से 13 मीनिंग बताए एक श्लोक का, आत्माराम श्लोक का कितना, 13 अलग अलग डिफरेंट टाइप से एक्सप्लेन किया उन्होंने, है ना। ये सुनकर थोड़ा हंसकर प्रभु गौरचंद ने कहा, आपने जो कुछ भी वर्णन किया वह सब सत्य है। क्या बोले? जो वर्णन किया वह सब सत्य। अब सुनिए, मैं कुछ व्याख्या करता हूँ, विचार करके देखना प्रामाणिक है या नहीं। तब सार्वभौम महाशय विस्मित हो गए और अर्थ निकालना नर शक्ति के लिए कभी संभव है क्या? अपना अर्थ प्रभु अपने आप बखान करने लगे, जिसका उद्देश्य किसी भी कल्प में कोई नहीं जानता है। व्याख्या सुनकर सार्वभौम परम विस्मित हुए, मन में सोचने लगे, संभवतः यह ईश्वर का ही प्रकाश है। प्रभु हुंकार पूर्वक श्लोक व्याख्या करने लगे। आत्मभावित प्रभु ने षडभुज अवतार का रूप अपनाया। हरि बोल। षडभुज रूप, दो हाथ दो हाथ दो हाथ। प्रभु ने कहा, सार्वभौम तुम्हारा क्या विचार है? संन्यास में मेरा अधिकार नहीं है, तुम क्या लगता है मैं सन्यासी हूँ या नहीं? तुम्हारे लिए ही मेरा उदय हुआ है, अनेक जन्मों से तुम मेरे प्रिय के जीवन त्यागा है, अतः मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। तो बोले कि कई जन्मों का हमारा साथ है, कई जन्म तुमने अपने प्रेम में जीवन त्यागा, इसलिए मैं तुमको दर्शन दे रहा हूँ। महाप्रभु बोले, अतः मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं, संकीर्तन आरम्भ करके मेरा अवतार हुआ है करने के लिए। अनंत ब्रह्मांड में मेरे सिवाय और कुछ नहीं है, जन्म जन्म में तुम मेरे शुद्ध प्रेम दास रहे हो, अतः तुम्हारे समक्ष मेरा प्रकाशन हुआ है। मैं साधुओं का उद्धार करूंगा और सब दुष्टों का विनाश करूंगा, तुम्हारे लिए चिंता की कोई बात नहीं, तुम सेवा स्तव मत, तुम मेरा सेवा स्तव पढ़ो। सेवा स्तव कोटि सूर्य में अपूर्व षडभुज मूर्ति को देखकर सार्वभौम महाशय मूर्छित हो गए। आनंद में षडभुज रूप अपनाए हुए प्रभु गौरचंद नारायण विशाल हुंकार गर्जन कर रहे थे। प्रभु हृदय अभियंतर से सार्वभौम के प्रति बड़े सुखी हुए। उठो कहकर प्रभु ने उसके सिर पर हाथ रखा। श्रीहस्त के स्पर्श से ब्राह्मण को चेतनता मिली, फिर भी आनंद में जड़ बने रहे, कुछ बोल नहीं पाए। ऐसे हाथ उनके सिर पर रखा तो आनंद में एकदम भर गए। प्रभु हृदय अभ्यंतर से सार्वभौम के प्रति बड़े सुखी हुए। उठो कहकर प्रभु ने उसके सिर पर हाथ रखा। श्रीहस्त के स्पर्श से ब्राह्मण को चेतनता मिली, फिर भी आनंद में जड़ बने रहे, कुछ बोल नहीं पाए। करुणा समुद्र स्वरूप प्रभु श्री गौरचंद्र ने उनके हृदय के ऊपर पद्म पद्म की स्थापना कर दी। तो हृदय पे अपने चरण कमल रख दिए, किसके? सार्वभौम भट्टाचार्य के, सर्वभुज रूप दिखाने के बाद। श्री चरण को प्राप्त करके सार्वभौम महाशय केवल परम आनंद प्रेममय स्वरूप हो गए। प्रेमानंद को से पाद पद्म को दृढ़ता के साथ पकड़कर आज चिच्चोर को प्राप्त कर पाया है, ऐसा कहकर सार्वभौम क्रंदन करने लगे। रमा की संपदा स्वरूप उस अपूर्व पाद पद्म को पकड़कर सार्वभौम आर्तनाद के साथ रोदन करने लगे। तो कौन रो रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु का रूप देखकर। मेरे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे श्री कृष्ण चैतन्य, मुझ अधम पर दृष्टिपात कीजिए। आपके अचिंत्य शुद्ध मर्म को जाने बिना मैं पापी आपको धर्म सिखा रहा हूँ। हे प्रभु महायोगेश्वर, यदि आदि ऐसा कौन है जो आपकी माया से मोहित नहीं हो जाता?
ऐसे आपको मुझे मोहित करने के लिए किस शक्ति की अपेक्षा है? अब आप मुझे अपने चरणों में भक्ति प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। प्राणनाथ श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। पुण्यवती सची के गर्भ से जन्मे आपकी जय हो, जय हो। सर्व प्राण श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, जय हो। वेद विप्र साधु और धर्म के रक्षक की जय हो। वैकुंठ आदि लोगों के ईश्वर की जय हो। शुद्ध सत्व रूप सन्यासी वर की जय हो। तो इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो है वर्णन किया है ना। तो आज की कथा हम लोग ये इस स्थान पे रोकेंगे।